प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड, बायोमेट्रिक मशीनें और क्यूआर कोड, ये सब देखकर आपको लगेगा कि शायद कम्युनिकेशन की दुकान चलाने वाले किसी शख्स का ही सामान है। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स अपने आप में एक ऐसा शातिर ठग है जिसने एक दो नहीं बल्कि लोगों के 80,000 जन्म प्रमाण पत्र, 4,000 आधार कार्ड, 1,500 पैन कार्ड, 800 मतदान पहचान पत्र और 2,000 मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिए, मगर ये सारे के सारे नकली थे। दरअसल सूरत पुलिस ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए इस मामले में एक शख्स को अरेस्ट किया है। इस पर आरोप है कि वो 10 रुपए में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड बनाता था। अब तक उसने 80,000 जन्म प्रमाण पत्र, 4,000 आधार कार्ड, 1,500 पैन कार्ड, 800 मतदान पहचान पत्र और 2,000 मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर लोगों को दिए हैं। सूरत पुलिस के ACP वीरजीत सिंह परमार को सूचना मिली थी कि बिहार के जमुई झाझा के रहने वाले सिंटू सुरेश यादव एक वेबसाइट के जरिए प्रमाण पत्र बनाता है। इसके लिए 10 रुपए लेता है। इसके साथ ही सूरत पुलिस को सूरत निवासी चौहान सुरेश कोशाजी के नाम का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिला था। पुलिस ने इस मामले की जानकारी सूरत महानगर पालिका के हेल्थ विभाग के अधिकारियों को दी। जांच के दौरान पता चला कि जन्म प्रमाण पत्र फर्जी है। इसके बाद अधिकारी ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। सूरत शहर इकोनॉमिक ऑफेंस सेल में ACP इको सेल को ये जानने को मिला कि fastportal.online नाम की वेबसाइट से जाली जन्म प्रमाण पत्र इशू किए जा रहे हैं और उसके बाद जब इसको चेक करने के लिए सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से संपर्क किया तो उनके ध्यान पे भी गलत बर्थ सर्टिफिकेट इशू होने की बात उनके ध्यान पे भी आई। सूरत म्यूनिसिपल कमिश्नर के जन्म मरण यानी बर्थ एंड डेथ यूनिट में जो स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट हैं उनके द्वारा एक कंप्लेंट की गई। उस कंप्लेंट के आधार पे पुलिस ने आगे तपास की और ये जानने को मिला कि ये सभी वेबसाइटें सिंटू यादव जो झाझा जमुई बिहार का रहने वाला है वो ये वेबसाइट ऑपरेट करता है और उसने इन वेबसाइटों से गुजरात का सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और कच्छ के ग्राम पंचायत के कुछ एक जन्म प्रमाण पत्र इशू किए हैं। इस सिंटू यादव की तलाश के लिए एक टीम को वहाँ भेजा गया और टीम को सफलता मिली। सिंटू यादव को अरेस्ट कर लिया गया है और उसकी अभी पूछताछ की जा रही है। उसके पास से लैपटॉप, मोबाइल, कितने ही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बायोमेट्रिक मशीन, प्रिंटर, 5G स्कैनर और कोरे बर्थ सर्टिफिकेट्स और 2 पासबुक भी मिले हैं। अभी तक सिंटू यादव ने इन वेबसाइट्स पे से 80,000 जितने बर्थ सर्टिफिकेट इशू किए हैं ऐसी चीज़ ध्यान पे आई है और इन्हीं वेबसाइटों पे से 4,000 आधार कार्ड, 1,500 पैन कार्ड, 800 चूटनी कार्ड और 2,000 डेथ सर्टिफिकेट भी इशू किए गए हैं। इस आरोपी के द्वारा कुल 8 अकाउंट ऑपरेट किए जा रहे हैं जिसमें 2,31,941 रुपये का अमाउंट पुलिस के कहने से बैंक ने फ्रीज किया हुआ है और बाकी के अकाउंटों की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सिंटू यादव ने ये वेबसाइटें AHK वेब सॉल्यूशन के पास से जो सोर्स कोड लिया था उसकी मदद से उसने बनाई और उसी की हेल्प से ये सारा ये रैकेट ऑपरेट करता था। ये सिंटू यादव 12वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है और इसके आगे की पूरी पूछताछ अभी चल रही है। मैं आपको ये भी बताऊं कि बर्थ सर्टिफिकेट एक बेसिक सर्टिफिकेट है जिसके आधार पर लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ये सभी सरकारी प्रमाण पत्र लेने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का उपयोग किया जाता है। इस तरह से जाली प्रमाण पत्र, जाली बर्थ सर्टिफिकेट ये एक गंभीर चुनौती है और इसके बारे में पूरी आगे इन्वेस्टिगेशन
हमारी क्राइम ब्रांच और इकोनॉमिक ऑफेंस सेल कर रही है। थैंक यू। लोग वेबसाइट देख के संपर्क कर लेते थे। दस रुपए से लेके 20-50 कितने रुपए, जहाँ जितना भी कोई शिकार मिल जाए उससे इस तरह से चार्ज करते थे, लेकिन 10 रुपए में सर्टिफिकेट दे देते थे। पुलिस के सामने मामला कैसे ध्यान में आता पहले शुरुआत में? पुलिस के ध्यान पे चीज़ आई कि एक बर्थ सर्टिफिकेट गलत इशू किया गया, जो पुलिस ने उसको चेक किया, चौहान सुरेश जी केशाजी के नाम का एक बर्थ सर्टिफिकेट था। उससे आगे पुलिस ने जब तफ्तीश की तो उसमें आगे की ये चीज़ जानने को मिली। सूरत के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर ने बताया कि सिंटू अलग अलग वेबसाइट के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों के प्रमाण पत्र बनाता था। इसके लिए 10 से 20 रुपए लेता था। उन्होंने बताया कि आरोपी के 8 बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी मिली है। पुलिस ने इनमें जमा 2,31,000 रुपए सीज करवाए हैं। सिंटू ने 12वीं तक पढ़ाई की है। पुलिस को इसके पास से एक लैपटॉप, 2 मोबाइल, 13 क्रेडिट कार्ड, 1 बायोमेट्रिक मशीन, 1 प्रिंटर, 5 गूगल पे के स्कैनर और 2 पासबुक भी बरामद हुई हैं। फिलहाल ये शातिर पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।